मेरा नाम विशाल रस्तोगी है, मेरी मम्मी चाय की ठेली लगाती है नगर पालिका ऋषिकेश जिला देहरादून, और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे खाने की नली नहीं है, जिसके जरिए मैं मोदी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी भारतवासियों को कि मेरी मदद करें, मैं बहुत गरीब हूँ क्योंकि मैं इस नली से खाता हूँ, मेरी कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि 3 साल बाद ऑपरेशन होगा दिल्ली एम्स में, मैं 3 साल बाद तक जीऊंगा क्या बिना खाए, 3 साल तक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाय बेचता हूँ और मोदी साहब से रिक्वेस्ट है खास करके, क्योंकि वो भी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री है, वो गरीबों की बहुत सुनते हैं, और आप सभी भारतवासियों से निवेदन है कि आप सब मेरी बहुत मदद करें, मैं बहुत गरीब हूँ बहुत, मेरे पिताजी मेरी कोई सहायता नहीं करते हैं, मारते हैं पीटते, कहते कमाके ला धमाके ला, तेरी माँ है और तू लेके आएगा, घर का खर्चा चला, वो 2 साल से जब से मैं बीमार पड़ा तब से घर में ही पड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री तक भी हमने सब फाइल पहुँचा दी, मुख्यमंत्री हरीश रावत कुछ नहीं सुनता है किसी की, अपनी मर्जी चला रहा है, जब वोट वोट लेना होता है तब से सब आ जाते हैं, 4 बार फाइल मेरी मम्मी जाके दे चुकी है जिसमें मेरे 30-35 हजार रुपए भी लग चुके हैं, टेम्पो वालों ने गुमराह करा यहाँ के कि यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे 300-400 रुपए ऐसे लूट लिए, और मैं अपने दिल की बात ये कहना चाहता हूँ सभी भारतवासियों से, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी मदद करें जैसे भी कर सकते हैं, पूरा बनियान उखाल के दिखा दो, पूरा निकाल दो, बोलो मैं नली द्वारा खाना खाता हूँ, मैं नली द्वारा खाना खाता हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, अब मैं 20 साल का हूँ, दुआ सलाम कर सकते हो, बोल बोल सबको, सबको हाथ जोड़ के विनती है, सबको सलाम करता हूँ मैं।